टू द फेसबुक लाइव सेशन ऑफ रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हम कभी तेज धूप में या कोई क्लाइमेट चेंज हो गया है या कभी बहुत कुछ ठंडा गर्म ज़्यादा खा लिया है तो वी स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ स्नीजिंग या नाक में खुजली शुरू हो जाती है या कोई स्किन पे रिएक्शन हो जाता है। बट हमें इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए या न कि बेसिक कि हमें कुछ एलर्जी है, टुडे वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर अमित नाहटा। ही इज द कंसल्टेंट एट रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर, हमें इनफैक्ट क्लिनिकली और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में समझाएंगे कि नेजल एलर्जी और साइनसाइटिस होता क्या है। सर, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारी तो बस ये धारणा है कि कुछ भी अगर स्किन पे हो गया या नाक से पानी हो गया दैट इज काइंड ऑफ एन एलर्जी, तो नेजल एलर्जी और साइनसाइटिस होता क्या है? सबसे पहले ये मैं दूर करना बहुत ज़रूरी है कि नेजल एलर्जी है क्या। जैसे आपने कहा कि धूप में जाने से किसी को नेजल रनिंग नोज शुरू हो गया या फिर छींकें आनी शुरू हो गई, तो वो एक तरह की नेजल एलर्जी है, लेकिन वो फिजिकल एजेंट्स हैं, हम उससे बच नहीं सकते। राइट। कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो डस्ट पार्टिकल से या फिर पॉलन्स जो होते हैं या खाने पीने की चीज़ें होती है या फिर कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, उनसे जो एलर्जी होती है वो एलर्जी जो है उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस नाम से जानते हैं। ओके। तो फिजिकल जो एजेंट्स हैं जैसे बहुत गर्मी, बहुत ठंडा या फिर धूप की एक्सपोजर से जो होता है, ये अवॉइडेबल नहीं है। ओके। और ये ट्रीटेबल भी नहीं है। यस, वी कैन गिव सम मेडिकेशंस उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो एलर्जीज एक्सपोजर की वजह से होती है और साल भर चलती है वो ट्रीटेबल भी है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम बच भी सकते हैं अगर हम उससे बचें और उसका इलाज करवाएं। तो फ्रेंड्स, सर ने कहा है कि कुछ एलर्जी जो एक्सपोजर की वजह से हैं वो और जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं, एंड देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि बस वो एलर्जी है एंड हम कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो फिजिकल एजेंट की वजह से एक हाइपर रिएक्शन है तो हम उसको एलर्जी नहीं कह सकते। सर, साइनसाइटिस क्या होता है? नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर मुझे जुकाम हो गया है तो मुझे साइनसाइटिस है और मेरा हेडेक है। एक बहुत बड़ी मिथ है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये कंप्लेन करते हैं, सर मुझे साइनस हो गया। तो साइनस पहले है क्या? साइनस तो हमारे आँख, नाक और ब्रेन के बीच में खोपड़ी के अंदर खोखली हड्डियों को हम साइनस बोलते हैं। तो साइनस कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन साइनस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे साइनोसाइटिस बोलते हैं। उस इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब साइनोसाइटिस होता क्यों है? साइनोसाइटिस के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलर्जी राइनाइटिस है, जो एलर्जी नाक की एलर्जी। जिन लोगों को नाक की एलर्जी होती है या किसी भी तरह की एलर्जी होती है, एलर्जी बहुत तरह से आपको इफेक्ट कर सकती है। एक्चुअली एलर्जी इफेक्ट करती है जो चीज़ें आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज है, जैसे हमारा नाक है या हमारे फेफड़े हैं, आंखें हैं और स्किन है, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में हैं। तो वहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट्स हमारे अगर नाक में जाएंगे या फिर हमारे फेफड़े में जाएंगे या स्किन के एक्सपोजर में आएंगे या फिर आंखों में आएंगे तो हमें उसके साइंस एंड सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे छींकें आना, नाक से पानी गिरना, फेफड़े के अंदर सांस उठने लग जाना, एलर्जिक एस्थमा बोलते हैं उसको। ठीक है, खांसी आना बहुत ज़्यादा और हेडेक रहना, आँखों में खुजली आना, आँखों से पानी गिरना, शरीर पे चकते बन जाना, खुजली आना, तो ये सब एलर्जी के फॉर्म्स हैं। अब एलर्जी बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे आपने कहा कि सन से एक्सपोजर होता है, किसी को हाथ पे बड़े बड़े चकते बन जाते हैं। राइट। वो फिजिकल अर्टिक एरिया में आता है एंड वी ऑल नो कि सन से एक्सपोजर बहुत मुश्किल है उससे बचना, क्योंकि ये यूवी लाइट की वजह से नहीं होता, ये सन की वजह से जो थर्मल कॉन्टैक्ट आता है विच इज ए फिजिकल हार्ड फिजिकल एजेंट, उसकी वजह से होता है। तो या तो हमें धूप से बचना चाहिए उसके लिए। और साइनोसाइटिस जो है वो हम बहुत छींकें करते हैं या फिर नाक में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नाक में सूजन आ जाता है, नाक की म्यूकोसा के अंदर, तो वो जो साइनस होते हैं वो बहुत छोटे से छिद्रों द्वारा बाहर नाक में खुलते हैं, उन पे सूजन आने की वजह से वो छेद बंद हो जाते हैं और नाक के अंदर साइनस के अंदर भराव पानी का या मवाद का या मांस का शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हम साइनोसाइटिस से सफर करना शुरू कर देते हैं। तो सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे प्रोलॉन्ग नेजल एलर्जी है एंड मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ बहुत टाइम से तो इट मे टर्न इनटू साइनसाइटिस? डेफिनेटली डेफिनेटली साइनसाइटिस जो है, अगर हम एलर्जी को एड्रेस नहीं करें काफ़ी लंबे समय तक,
तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो एलर्जी के कॉम्प्लिकेशन के एवज में हो सकती है। अब क्या होता है कि साइनोसाइटिस में अगर आपके नाक में ये साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो ये साइनोसाइटिस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे नाक में मास ग्रो करके आ जाते हैं, उनको हम राइट पॉलिप्स बोलते हैं। जी और साइनोसाइटिस का जो इफेक्ट है वो यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी आंख डैमेज हो सकती है, हमारी ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेसेस होते हैं हॉलो स्पेसेस, ये हमारे आंख नाक और दिमाग के बीच के कैविटीज होती हैं। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होता है या फिर फंगस ग्रो कर जाती है, जैसे डायबिटिक्स में होती है, अभी आपने सुना होगा कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके जी अंदर पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस आ रहा है। राइट सुना रहा ये है पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस उन पेशेंट्स में आ रहा है जो पहले कभी एलर्जिक रहे हैं, जिन्हें माइल्ड साइनोसाइटिस रही है और वो डायबिटिक भी हैं। कोविड में नाक की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर हो जाती है, डायबिटिक होते राइट हैं तो इन्फेक्शन कैच करता है फंगस का, और वो फंगस जो है वो साइनस में ग्रो करके ऑर्बिट में चली जाती है, हमारे ऑर्बिट मतलब आंखों में। और अभी देखने में आया है, हमने काफी पेशेंट ऑपरेट भी किए हैं, पेशेंट की कंडीशन दयनीय हो जाती है, ऑपरेट करने के बावजूद भी जो है ये कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, और काफी हैवी मोर्टेलिटी भी मतलब मृत्यु दर भी काफी ज्यादा देखी जा रही है देखी जा इसमें। रही है। तो फ्रेंड्स हम सर से जो समझ पा रहे हैं कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म नेजल एलर्जी है तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, जस्ट डोंट टेक एनी होम रेमेडीज या कोई भी दवाई जाके मत लीजिए इंटरनेट पे चेक करके, प्लीज टू अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम अदर कॉम्प्लिकेशंस। सर कुछ एक ऐसे कॉमन सिम्टम्स रनिंग नोज सिर्फ एक सिम्टम है, दूसरा ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स हम जानना चाहेंगे आपसे। एलर्जी, वैसे तो एलर्जी की शुरुआत बहुत बचपन से हो जाती है, लेकिन ये किसी भी एज में किसी को भी शुरू हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी आदमी को 40 में हुई है तो उसको बचपन में भी हो। लेकिन सबसे जो कॉमन लक्षण आते हैं वो ये है कि नाक में छींके आना, बार बार आना, रिपीटेडली आना, और एक साथ 3 से भी ज़्यादा छींके आना, नाक से पानी बहना, नेजल ब्लॉकेज हो जाना नाक का। ऐसे में लोगों को थकान भी रहती है क्योंकि लेवल ऑफ ऑक्सीजन हमेशा बॉडी में कम रहता है, आंखों में खुजली आना, इरिटेबिलिटी रहना, थोड़ा सा चलने पे हाफ जाना, बॉडी पे स्किन रैशेज हो जाना, खुजली आना, कुछ खाया उसके बाद में जो है वो इनडाइजेशन से रहना पेट में, या फिर खाते ही जो है बॉडी पे चकते से बन जाना या छींके आना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रिलिमिनरी आपको ये बता सकते हैं कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस या नेजल एलर्जी हो सकती है, और आपको कंसल्ट करना चाहिए फिर डॉक्टर को इसके लिए। सर व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर मुझे सीवियर साइनसाइटिस है या प्रोलॉन्ग नेजल एलर्जी है, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल अभी, क्या इसमें कोई सर्जरी भी होती है जैसे अगर बिल्कुल कुछ ज्यादा बिल्कुल। फ्रीक्वेंट ब्लॉकेज होता है। वैसे तो एलर्जी का इलाज सर्जरी नहीं है, ओके लेकिन जो एलर्जी की कॉम्प्लिकेशंस होती है साइनोसाइटिस, उसका डेफिनेटली इलाज सर्जरी है। हम शुरू में आते हैं कि एलर्जी को कैसे ट्रीट करें या कैसे पहचानें। राइट तो एलर्जी को पहचानने के लिए उसका एक टेस्ट होता है, वो दो माध्यम से हो सकता है, खून से भी हो सकता है और स्किन से भी हो सकता है। चमड़ी पे एक स्किन पे टेस्ट हम करते हैं जिससे ये पता करते हैं कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। इनफैक्ट ब्लड से भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह जो है हमें मालूम चलती है कि भाई किससे हमें एलर्जी हो रही है। कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, पेड़ पौधे, फंगल स्पोर्स, ये सब चीज़ें जो है वो इन दो टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। ये पता करने के बाद में अगर उसमें अवॉइडेबल चीज़ें आती हैं, लाइक आप केवल खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है और वो बहुत एसेंशियल नहीं है, आपकी रूटीन डाइट में नहीं लेने से भी चल सकता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे दूध से एलर्जी है, अब आप बिना दूध के तो या दूध मिल्क प्रोडक्ट से जी नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी करते हैं। ये एक तरह का वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन, डी इम्यूनाइजेशन थेरेपी है। ये करने से हम उन चीज़ों से एलर्जी से मुक्ति पा सकते हैं और काफ़ी हद तक हमें इससे रिलीफ आ सकता है। सर ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है कि अगर हमारे पास अगर कोई कॉमन फैक्टर पता चल जाए जिससे हमें एलर्जी है तो उसका एक ट्रीटमेंट है जिससे हम इन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सर अगर हम प्रोलॉन्ग साइनसाइटिस है तो उसको हम परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत लंबे समय एलर्जी जो होता है वो साइनोसाइटिस का एक प्रिकर्सर होता है। एंड व्हाट इज साइनोसाइटिस, कैसे पता करेंगे कि आपको साइनोसाइटिस हो रहा है?
जो लोग साइनोसाइटिस से अफेक्टेड होते हैं उनके चीक बोन्स में, ओके, चीक बोन्स, फ्रंटल बोन्स, आँख के ऊपर, आँख के नीचे या आँख के पीछे डल पेन रहना शुरू हो जाता है। अगर हम सर को नीचे झुकाएंगे तो लगेगा जैसे ट्रैक्शन से हमारा सर जो है वो नीचे गिर जाएगा। आंखों में पेन, चीक बोन्स में पेन, नाक बंद रहना, बदबूदार नाक से स्मेल आना, इरिटेबिलिटी रहना, ये सब जो है वो साइंस ऑफ साइनोसाइटिस में आते हैं। जिन लोगों को नाक में पॉलिप्स होते हैं, हम उसको इथमॉइडल पॉलिप्स बोलते हैं, उनका नाक कंटिन्यूअसली ब्लॉक रहता है। जब वो बोलते हैं तो उनको डी नेजल टोन, नाक के बिना आवाज, और वो क्लियरली हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नाक से सांस नहीं आती है, नेजल ब्लॉकेज रहता है बिकॉज ऑफ पॉलिप और साइनोसाइटिस, वो लोग इरिटेबल ज़्यादा रहेंगे, उनको थकान ज़्यादा रहेगी, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, वो कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे। सपोज वो स्टूडेंट्स हैं तो वो एक चैप्टर को पूरा नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑलवेज कीप्स ऑन डिपिंग डाउन, तो आदमी एक रेस्टलेस स्टेट पर रहता है, तो ही फाइंड सम प्लेस ऑफ कंफर्ट या सम कंडीशन ऑफ कंफर्ट, तो वो वहां से मूव करेगा, नेक्स्ट पर जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे तकलीफ जो है वो किसी और कारण से हो रही है, लेकिन बेसिकली ये लैक ऑफ ऑक्सीजन या डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग जो है उसकी वजह से होता है। और डेफिनेटली इसका इलाज संभव है, हमें इसके लिए एक CT PNS करना पड़ता है, सीटी स्कैन वेरानाइजल साइनसिस का, और उसको देखने से हम लोग ये पता करते हैं कि आपके कौन कौन से साइनसिस ब्लॉक हैं, आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है कि नहीं है, या फिर आपके जो इन्फीरियर टर्बिनेट्स होते हैं जो नाक में नॉर्मल मास होते हैं वो कितने फूल गए, और इसकी सर्जरी करके हम साइनस को पूरा खोल के, हड्डी को सीधा करके, मास को कम करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सो वी आर रियली लकी कि हम अभी इस एरा में हैं कि जहाँ साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है कि अगर हम प्रोलॉन्ग साइनसाइटिस, जो सर ने बहुत इजी वे में हमें समझाया है कि लॉट ऑफ ब्लॉकेज और पेन इन द चिक बोन्स एंड एवरीथिंग है, तो हम एक स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। सर ये सर्जरी इज इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड या वन, मतलब हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में कब वापस रूटीन लाइफ में करवा सकते हैं? हम लोग मोस्टली इसके लिए 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं आपको, और आजकल सब कुछ एंडोस्कोपिकली करते हैं, और देयर लेटेस्ट मशीन्स टू ऑपरेट ऑन साइनसिस। 1% कॉम्प्लिकेशंस आर देयर बट नॉट मोर, एंड एक बार ऑपरेट होने के बाद में लाइफ बिकम्स मच मोर इजियर, यू बिगिन टू फील रिफ्रेशमेंट इन योर लाइफ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा जिनको ये तकलीफ है बहुत लंबे समय तक, तो उनको ये जरूर करवाना चाहिए। सर कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमें डेफिनेटली रिक्वेस्टेड टू आस्क, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है नाक को करने की, या यू नो कुछ है कुछ नहीं पर दे, आई डोंट नो, वाज स्निफिंग, हां स्निफिंग की बहुत हैबिट होती है, इज इट बिकॉज ऑफ हैबिट या डेफिनेटली कुछ है उनको एंड दे शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर? जिन लोगों को नेजल ब्लॉकेज रहता है, या फिर क्या होता है कि जिनको साइनोसाइटिस एलर्जी रहती है उनकी पोस्ट नेजल ड्रिप बनती है, तो गले के अंदर कंटिन्यूअसली नाक से पानी गिरता रहता है। Okay. वैसे भी साइनस से नॉर्मल पानी गले में जाता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता, लेकिन Okay. जब वो पानी थिक हो जाता है तो हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। Okay. उसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। तो जिनको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही होती है वो नाक को, हाँ सर, दे कीप ऑन स्निफिंग एंड ट्राई टू, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है तो उसको और नीचे खींच के लेके जाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो दैट इज, दैट मे बी अ साइन ऑफ साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस। सो फ्रेंड्स अगर ये आपको आदत है, सर कह रहे हैं रेगुलर स्निफिंग, डोंट टेक इट इन द इम्प्रेशन कि ये आपकी आदत है और आप आदत से करते हो, ये कैन बी वन सिम्टम फॉर एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस, तो प्लीज शो अ स्पेशलिस्ट एंड सो दैट आप कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए अवॉइड कर सकते हैं और आपकी रूटीन लाइफ भी ईजी हो सकती है। सर कुछ प्रिवेंटिव टिप्स यू नो बिफोर वी एंड ऑफ दिस सेशन कि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, या हमें क्या होम रेमेडी करनी चाहिए सिंस अभी विंटर्स भी हैं और पीपल्स हैव नाउ स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ देयर होम, क्योंकि कोविड का थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, हम लोग बाहर आने लग गए हैं, तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स या सम एडवाइस टू द पब्लिक? जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एलर्जी होती है वो सर्दियों में कम होती है ओके और गर्मियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि पॉलन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनवायरमेंट में घूम रहे होते हैं, जैसे ये अभी मार्च अप्रैल का टाइम आ रहा है तो पतझड़ का मौसम बोलते हैं उसको, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेड़ों से पत्ते गिरते हुए और पॉलन्स वगैरह बिखरते हुए नजर आ जाएंगे, ये सबसे कॉमन कॉज है। Okay. अच्छा, इनसे बचने का तरीका तो क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है, तो या तो आप खुद बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं इस चीज़ को पता करने के लिए, हम खाने पीने की चीज़ों को तो आइसोलेट कर सकते हैं,
कि हमें कुछ खाने के बाद में ये तकलीफ हुआ, तो हम उसको अलग कर सकते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू आर एलर्जिक टू फ्यू थिंग्स विच आर नॉट नोन टू अ कॉमन पीपल. उसमें क्या होता है कि बिस्तर के अंदर हम शुरुआत करते हैं बिस्तर से. बिस्तर में, हमारे बिस्तर में हाउस डस्ट माइट, एक धूल का कीड़ा, वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है. और 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिनको हाउस डस्ट माइट से एलर्जी होती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है वो ये है कि आपको पहले अपने बिस्तर को कम्प्लीटली क्लीन करना है. तकिया खोली, जिनको एलर्जी है उनको रोज चेंज करना है, और बिस्तर को धूप दिखाना है. सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो हालांकि डिसेंसिटाइजेशन होता है, जो मैंने आपको इम्यूनोथेरेपी बताया था. बट अगर आप ये नहीं कर सकते तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है. दूसरी बात, आप जब बाहर जाएं या धूल मिट्टी में जाएं तो मास्क का यूज़ करें. और अगर आपको आइडेंटिफाइबल कॉज मालूम है कि खाने पीने की किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो उसको जरूर अवॉइड करें. सर थैंक यू सो मच. एंड बिफोर वी वाइंड अप, द टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन फ्रॉम दिस आर इज के आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स एंड स्पेशली दोज स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, तो अपना बेड डेफिनेटली सर कह रहे हैं कि क्लीन करें, उसे रेगुलरली धूप में डालें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डस्ट और डस्ट माइट्स व्हिच कैन बी अ कॉज ऑफ दिस एलर्जीज. मास्क डेफिनेटली जब आप बाहर जाए तो पहने, टू अवॉइड ऑल दी इन्फेक्शंस. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो रेदर देन टेकिंग अननेसेसरी होम रेमेडीज जिसमें कुछ आपको प्रूफ नहीं है, इंटरनेट पे जाके कुछ भी टेबलेट्स मत लीजिए. शो टू अ स्पेशलिस्ट एंड गेट योर लाइफ ईजी विद दिस काइंड ऑफ एलर्जीज. थैंक यू सर सो मच. थैंक यू. अगर आपको सर और जानना हो इसके बारे में, या डॉक्टर अमित से अगर कोई भी सलाह लेनी है, तो सर अवेलेबल है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. आप कॉल कर सकते हैं 01413090309 एंड विल बी हैप्पी टू गेट यू कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.